चीन में फैले वायरस को लेकर भारत के लोगों में कई तरह के सवाल हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं ये बीमारी भी कोरोना की तरह महामारी न बन जाए। हालांकि देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में इस बीमारी को लेकर लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बीच सफदरजंग अस्पताल के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन में फैल रही बीमारी भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर नीरज ने निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में भी जानकारी दी। नॉर्मल सिम्टम निमोनिया वाले वही होते हैं कि कॉमन कोल्ड की तरह शुरुआत होती है, फीवर होता है, फीवर तेजी से बढ़ने लगता है और फिर बच्चों में सांस की तकलीफ पैदा हो जाती है जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। अब ये जो वायरल फीवर्स होते हैं इनके अंदर नॉर्मली एंटीबायोटिक्स इतना काम नहीं करती हैं, ये हमेशा जो है वो एंटीवायरल मेडिसिन से या फिर जो नॉर्मल रूटीन केयर होती है उसी से ये इनकी देखभाल की जा सकती है। जी। ये भी है कि एक माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी शायद रिपोर्टेड है, उसके लिए तो एंटीबायोटिक से इलाज तुरंत किया जा सकता है। जो अमूमन वहाँ होता है जहाँ पे जैसे कि कूलर्स वगैरह में सफाई नहीं करते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं या उन एरिया में जो लोग रहते हैं उनमें ही इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो खैर एनी केस जो भी इन्फेक्शन है उसका तुरंत समय पे आप जरूर जांच करवानी चाहिए और समय रहते इलाज हो जाए तो बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की हालत को मतलब बचाया जा सकता है उनको। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर ने ये भी कहा कि संक्रमण का प्रकोप सर्दियों के मौसम से जुड़ा हो सकता है क्योंकि इस दौरान एलर्जी की समस्याएं बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लापरवाह ना बने और सतर्क रहें। देखिए मैं यही बता रहा था कि जहां पर आदमी क्लोजनेस होती है सर्दियों के दिनों में यही होता है कि एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे ठंड की वजह से आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो एक के बच्चे से इन्फेक्शन या एक व्यक्ति से इन्फेक्शन दूसरे को तेज़ी से फैलता है क्योंकि ये एयरबॉर्न है। अगर हम प्रिकॉशन रखते हैं यानी कि अगर डिस्टेंस रखते हैं या फिर हम मास्क लगा लेते हैं या फिर अपना कवर रखते हैं, स्पेशली वो व्यक्ति जिनको बीमारी है, तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया भी जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो आदमी के शरीर में रेजिस्टेंस की मात्रा भी थोड़ी कम होती है। जैसे कि निमोनिया अगर इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, जो गले में जो स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर उसका तापमान कम होने लगता है तो उसका जो वायरस का जो पेनेट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर कम होने से 3% वायरस की एंट्री ईजी हो जाती है क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी जो होती है मेम्ब्रेन की वो कम होने लगती है। कहने का मतलब यही है कि सर्दियों में स्पेशली लोअर टेम्परेचर्स पर आदमी का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रिकॉशंस की एडवाइस देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन है यानी कि छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं या जो बीमार हैं जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, चाहे डायबिटीज़ हो, शुगर की बीमारी हो, प्रेगनेंट वुमेन हो, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन या और जो वैक्सीन है वो हमेशा लगवाएं, समय समय पर हर साल लगवाएं तो आप इससे बच सकते हैं। चीन में बढ़ रहे मामलों को लेकर डॉक्टर ने लोगों को सलाह दी है। देखिए ये एक लेसन है हम लोगों के लिए कि ये हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपना ध्यान रखें। प्रिकॉशंस के जितने तरीके हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो अपना समय पे अगर कोई बीमारी जैसे रेस्पिरेटरी डिसीज़ के जो व्यक्ति होते हैं या जो और बीमारी से संबंधित इनको बीमारियाँ रहती हैं तो हमेशा अपने समय पर इलाज कराएँ। और ये जरूर रखें, अब हम जैसे पोल्यूशन के टाइम पर एडवाइस करते हैं कि आप मैक्सिमम पोल्यूशन जब डे टाइम मॉर्निंग में या इवनिंग आवर्स में होता है तो उसमें बाहर ना निकलें। कहने का मतलब ये कि एक्सपोजर अवॉइड करें, प्रिकॉशंस लें, अपना खान पान व्यायाम अपना जारी रखें और जो वैक्सीनेशन अगर आप करवाते हैं तो उससे आपको लाभ होगा, स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। आपको बता दें कि चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चों में इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से चीन के अस्पताल भरे पड़े हैं। इससे पहले भारत सरकार ने इस बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे।